మేడ్చల్ జిల్లా కాప్రా మండలం జవహర్ నగర్ పరిధిలో ఈ రోజు ప్రజాసత్తా పార్టీలో పలువురు కార్యకర్తలు చేరారు. వీరిలో జి శేఖర్, షైక్ గౌస్, షైక్ అహ్మద్, మహబూబ్ ఖాన్, షైక్ సోహెల్ మరియు టిప్పు సుల్తాన్ ఉన్నారు. కార్యకర్తలందరికీ ప్రజాసత్తా పార్టీ తెలంగాణ చీఫ్ అరుణ్ కుమార్ త్యాగి పార్టీ కండువాతో ఆహ్వానించారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ, ఎన్ని పార్టీలు వచ్చినా ఓట్ల సమయంలోకి రావడం తప్ప గెలిచినా తర్వాత ఏ ఒక్క నాయకులు ప్రజల సమస్యలను పట్టించుకోరని మండిపడ్డారు. ప్రజాసత్తా పార్టీ మాత్రం ఇతర పార్టీల కంటే అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని, ప్రజలకు ఏ సమస్య వచ్చినా ముందుండి పోరాడుతుందని, అందువల్లే ప్రజాసత్తా పార్టీలో చేరడం జరిగింది అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జవహర్ నగర్ ప్రజాసత్తా పార్టీ ప్రెసిడెంట్ మొహమ్మద్ అషద్ పాల్గొన్నారు. और अपने अर्शद साहब कॉरपोरेटर कैंडिडेट जवाहर नगर से हैं प्रजासत्ता पार्टी के. इन्होंने और भी कई लोगों को हमारी पार्टी का जो मोटो है फॉर जस्टिफिकेशन टू ऑल कॉमन मैन, ठीक है, उसके लिए जो हमारी पार्टी काम कर रही है अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है. इसलिए जनता भी न्याय के लिए और सोसाइटी में सोशल अपलिफ्टमेंट होना चाहिए फॉर ऑल, ठीक है. इसलिए जो है पब्लिक आ रही है, जागरूकता आ रही है पब्लिक के अंदर कि ये पार्टी सही में गरीब जनता के साथ है, ये सोच के लोग जो है हमारे साथ में आ रहे हैं. और हमारे गौस भाई जवाहर नगर से आज हमारे साथ आए हैं, तो बड़ी खुशी की बात है. गौस भाई आप बताइए. इसलिए हम इनके साथ आए, अभी तक TRS को हम सपोर्ट करें, कांग्रेस को सपोर्ट करें, एक बार हर किसी को सब सपोर्ट करें, मगर इस उन्होंने आज वोट हुआ, इलेक्शन हुआ, आज जल्दी इलेक्शन चुन के आ गए, फिर 5 साल के बाद ही आए हूँ क्या. जब तक आए नहीं कोई बस्ती में, देख गंदा पानी पी रहे हम हमारे बस्ती में, और उसके अलावा वो पानी डेनिस का पानी, वो 20 प्लान वाला हमारे बस्ती के पीछे है, पूरा छोड़ दे रहा गंदा पानी डेनिस का पानी. उसमें हमारे कई बच्चे हमारे बीमार गिरे वाले हैं उसको पानी से. और दूसरी बात क्या है, तो डेनिस लेन में ही हम आप वो गंदा पानी वैसे जा रहा. हम अभी तक TRS पार्टी को दरख्वास्त दिए, कांग्रेस को दिए, BJP को, हर किसी को दिया, कोई हमारा सपोर्ट नहीं करा. अभी हम आप उम्मीद है कि प्रजासत्ता पार्टी के हमारे चीफ अरुण कुमार ने हम आपको दिलासा दिए कि हम तुम्हारा काम करेंगे, और हम आपको थोड़ा ईमानदार पार्टी दिख रही है. कांग्रेस वाले आए वोट लिए चले गए, फिर 5 साल के बाद ही चाहे हम आपको वोट दोगे. TRS वाले आए वोट लिए चले गए, फिर 5 साल के बाद ही चाहे वोट दोगे. अच्छा, हमारे बस्ती को कोई देखने वाला नहीं है साहब, हमारे बच्चे बीमार हो रहे, वो पूरा अब तो बेरोजगारी तो है ही है, मगर बीमारी से हमारे निजात होना बस इसके लिए, वो गलीज पानी मच्छर से. आप सब देख सकते हैं कि गौस भाई का प्रजासत्ता पार्टी में आने का कारण इन्होंने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करा, TRS पार्टी को भी सपोर्ट करा, और जो अदर पार्टी हैं उनमें भी जो है इन्होंने वोटिंग की, कैंपेन की, लेकिन क्या है किसी ने भी इनका वोट यूज़ किया है, बट वोटिंग आफ्टर कमिंग इन द पोजीशन, उसके बाद इन लोगों की तरफ 5 साल तक मुड़ के नहीं देखा है. अब इन्होंने प्रजासत्ता पार्टी में आने का कारण यही है कि यहाँ पे इन्हें जो बेसिक नीड है जनता की, जो जनता की बेसिक नीड है वो उन्हें मिलनी चाहिए, वो हक है उनका. हमारा हक है वो, हक है उनका, और गवर्नमेंट भी बाउंड है कि उनको जो है डेली जो नीड्स होती है उसको प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का ड्यूटी है, ठीक है ना. अच्छा पानी देना, अच्छी फैसिलिटीज देना, अच्छी एजुकेशन देना, ये सब चीज़ें उनकी ड्यूटी है. हम प्रजासत्ता पार्टी की तरफ से प्रॉमिस करते हैं आपको जो भी है ये जो बेसिक नीड्स है, आपके जो टैक्स भरने के बाद भी आपको कनेक्शन वगैरह नहीं मिल रहे, मैं इस पार्टी को हमारे हाईकमान तक लेके जाऊंगा, और हाईकमान में हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट भानुमूर्ति साहब हैं उनसे बात करके इस चीज़ का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकाला जाएगा. आप बेफिक्र रहिए, थैंक यू. उम्मीद है कि हमारे बस्ती का काम करेंगे बोलते. और दूसरी बात क्या है बोले तो, हमारे बच्चे पूरे एक एक 2-4 बच्चों को डेंगू का शिकायत होगा अभी, गंदा पानी पीने से और मच्छर घिसना काटने से. और मतलब जो पैसे वाले लोग हैं काम उनके ही पास होता है. हमारे आगे एक बस्ती है CRPF मल्लापुरा, वहाँ पूरा मंजिला वाटर आ रहा, ड्रेनेज लाइन चालू होगा, फिर हमारे सामने मलकाराम पार्टी बस्ती है,
वहाँ भी मंजिला पानी आ रहा, ड्रेनेज लाइन चालू हो गया, सब चालू हो गया, हमारे बस्ती में कोई देख रहा। हम हालांकि टैक्स बन दिए और नलों का डीडी बन दिए, तो हमको कोई कनेक्शन दे रहा नहीं, कोई ड्रेनेज का लाइन डाल रहा नहीं। बहुत सा आपने ये जो है पानी के कनेक्शन का आपने जो है टैक्स भर दिया है, सब कुछ दे दिया है, लेकिन क्या है आपका जो है कनेक्शन अभी तक पानी का कनेक्शन मतलब पीने के पानी की सुविधा नहीं है। गंदा पानी पी रहे, बोर का वही पानी, हर रोज हमारे बच्चे हर चार दिन को बीमार कर रहे, हर चार दिन को बीमार कर रहे, यहाँ दवाखाना फुल हो जा रहे बच्चों से। अभी आप ये हमारी प्रजासत्ता पार्टी में आए, बड़ी खुशी की बात है। आप इसमें रह के पब्लिक के लिए क्या करना चाहोगे? हमारा जो बस्ती का काम है, हमें मंजिला वाटर होना, पाइप तो डाले हुए, खाली कनेक्शन होना, वो हम डीडी बन दिए, और दूसरी बात क्या है, ड्रेनेज लाइन होना, पूरे हमारे रोड़ा गंदे हो गए। और दूसरी बात क्या है बोले तो, हमारे बस्ती के पीछे विस्तृत प्लान बोल के कॉलेज है, उन्हें पूरा ड्रेनेज का पानी नाले से पूरा भेज दे रहा हमको, वो उसका स्माइल जो इतना आ रहा, उससे भी हमारे बच्चे पूरे बीमार गिर रहे। आपने इस चीज की शिकायत जो है जवाहर नगर म्यूनिसिपल ऑफिस में दी? करे, हर किसी को करे, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है साहब, कोई सुन रहा नहीं हमारा। अच्छी बात, हर जितने की बात करे, हर पार्टी को शिकायत करे वो बस।